स्वागत है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस के इस कोर्स में मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला दोस्तों हम लोग देख रहे हैं निमसेट की तैयारी के लिए जो उसमें कंप्यूटर का सिलेबस आता है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस उसकी सीरीज़ और इस सीरीज़ में कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं जिसका आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें आज हम लोगों को देखना है नंबर सिस्टम के बारे में मैं यहाँ पर एक चीज़ पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग निमसेट टू की तैयारी कर रहे हैं और अब क्योंकि समय काफी कम बचा है तो कई लोगों को लग रहा है कि क्या मेरा हो भी पाएगा तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है क्योंकि हर दिन आप इतनी मेहनत कर सकते हैं कि कम से कम से एक नंबर आपका इंक्रीज हो जाए और जितने दिन बचे हैं उतने दिन में अगर आप 20-30 नंबर भी अपने बढ़ा सकते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांस कुछ तो इंप्रूव हो ही जाएंगे और यू नेवर नो आप जब एग्जाम दे ही रहे तो आप पूरी तैयारी के साथ दीजिए पूर, पूरे पॉजिटिविटी के साथ दीजिए और जो कंप्यूटर का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं उसको देखने के बाद आप कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन जरूर कर लेंगे और इसके कारण आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे एन में पहुँच पाएंगे तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको अपना ये कार्यक्रम स्टार्ट करना है लेकिन आप में से जो लोग अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं या उसके अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए आपको बैचेस आप जहाँ पे भी कोचिंग जाना चाहते हैं मैं रिकमेंड करूँगा इम्पिटस गुरुकुल जाना बाकी आप लोगों की इच्छा है आप कहाँ जाना चाहते हैं पर कोचिंग आपको अभी से ज्वाइन करनी चाहिए आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं सेकेंड ईयर में हैं अभी से आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए और एक साल का या दो साल का पूरा प्रोग्राम लेना चाहिए और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो ताकि आपको ड्रॉप लेने की ज़रूरत ना पड़े तो बैचेस ऑलरेडी इन किसी भी कोचिंग में इस समय स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट uh, जो भी 2025 का एग्ज़ाम होगा या 2026 का वो स्टार्ट हो जाते हैं तो अभी से आपको ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि काफ़ी सिलेबस होता है काफ़ी कुछ पढ़ना होता है और आप अगर ये मेक श्योर sure करना चाहते हैं कि आपके रैंक बिल्कुल टॉप में आ जाए मेरिट लिस्ट में आ जाए तो उसके लिए इतनी तैयारी बनती है पर कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको लगता है कि इसी बार आपका एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो क्योंकि आपने तैयारी की है थोड़ी बहुत की दिक्कत आ रही है तो वही कंप्यूटर का सिलेबस है जिसको हम कवर कर लेंगे तो उससे वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी इसी चैनल पे मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि कैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करें एम में फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें पूरा एम को प्लान कैसे करना है कई जगह पर दो साल का एम कई जगह पर तीन साल का एम तो हमें उसको प्लान कैसे करना है ताकि हम इतनी लर्निंग कर लें कि हमारा प्लेसमेंट अच्छी जगह पर हो सके तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी उसके लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को ज़रूर पढ़िएगा तो उसमें आपके लिए काफ़ी काम की जानकारी दी हुई है जैसे कि इस कोर्स के नोट्स कैसे आप डाउनलोड करेंगे वो भी आप वन टू वन मेरे से इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं वो भी वो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी और आप करियर से रिलेटेड गाइडेंस भी ले सकते हैं इस एग्जाम के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और कैसे स्ट्रेटजी बनानी है कैसे करना है उसके बारे में भी बात कर सकते हैं आज का जो हमारा नंबर सिस्टम तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग तो नंबर सिस्टम क्या है बेसिकली हमको गिनती करनी है बहुत साल पहले से मतलब आज से पाँच छः हजार साल पहले से इंसान को गिनती करनी आती है और तब से कुछ ना कुछ डिवाइसेस बनना चालू हो गए थे आज की डेट में हम कंप्यूटर्स को देखते हैं कैलकुलेशन के लिए लेकिन इसकी जो शुरुआत बेसिक है वो है कंप्यूटेशन की बेसिक है नंबर्स बिना नंबर के आप कैलकुलेशन कैसे करोगे नंबर तो बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गई ना अब हम लोग जिस नंबर को जानते हैं, जिन नंबर्स को जानते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है अब ये नंबर सिस्टम क्या है तो नंबर सिस्टम अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर इज कॉल्ड अ नंबर सिस्टम अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये भीड़ लगी हुई है यहाँ कितने लोग हैं मुझे बताओ तो आप काउंटिंग करके बताते हो आपने कहा फिफ्टी थ्री लोग हैं यहां पर तो ये फिफ्टी थ्री बताने के लिए लिखने के लिए आपको ये ये सिंबल लिखना पड़ा जिसको हम बोलते हैं फाइव फिर ये सिंबल लिखना पड़ा जिसको हम बोलते हैं थ्री और ये दोनों मिलकर इस तरीके से अरेंज करके आपने लिखा तब जाके आप इसे बोलते हैं फिफ्टी थ्री आप इस जगह पर क्या क्या सिंबल यूज़ कर सकते थे तो आपने कहा ज़ीरो वन टू थ्री अप टिल नाइन तक कोई भी सिम्बॉल यूज़ कर सकते थे ये कितने सिम्बॉल्स हैं तो ये दस सिम्बॉल्स हैं दस सिंबल में से ही कोई सिंबल को यूज करना है आपको अगर आपने नंबर बोला है फिफ्टी थ्री तो इस प्लेस पर भी दस में से ही कोई सिंबल आएगा इस प्लेस पे भी दस में से कोई सिंबल आएगा नंबर कितना भी बड़ा हो आपने बोला टू फोर थ्री एट सिक्स ये नंबर है तो हर प्लेस पे जो आप सिंबल देख रहे हो वो उन्हीं दस सिंबल में से कोई एक सिंबल है राइट तो ये एक ऐसा सिस्टम है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का जिसमें दस सिंबल में से ही कोई यूज होने वाला है अब क्योंकि ये दस सिंबल्स हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम डेसी मतलब टेन एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें दस सिंबल्स हैं और उन्हीं सिंबल से आप कोई नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर सिस्टम से हम लोग फैमिलियर हैं बचपन से यूज करते आ रहे हैं इसलिए हम ऑब्वियस मानते हैं इसको लेकिन सोचो क्या होता अगर ये दस सिंबल नहीं होते कुछ कम या ज्यादा सिंबल होते क्यों नहीं हो सकता था दस ही क्यों कभी सोच के देखिए दस ही क्यों हो सकता था आठ सिंबल होते पांच सिंबल होते बारह सिंबल होते हो सकता था ना बिल्कुल हो सकता था और हो क्या सकता था नंबर सिस्टम कई सारे इसी कारण से तो होते हैं तो जैसा यहां पे बोला जा रहा है कि कोई भी नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सिंबल्स को यूज करते हैं वो उस नंबर सिस्टम का बेस कहलाता है या रेडिक्स कहलाता है मतलब नंबर नंबर ऑफ इन अ सिस्टम। जैसे हम चार स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि चार ही नंबर सिस्टम होंगे और भी हो सकते हैं पर ये चार कंप्यूटर के क्षेत्र में यूज ज्यादा होते हैं इसलिए हम इनकी बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम अब जरा समझिए डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिम्बॉल्स हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये दस सिम्बॉल्स हैं अब सोचिए है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्ट मतलब एट तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने सिम्बॉल्स होंगे एट सिम्बल्स होंगे आठ सिम्बल्स होंगे ये क्या है ये है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आठ हो गए जीरो से सेवन तक अच्छा सिंबल्स तो कुछ और भी हो सकते थे यही सिंबल्स क्यों लेते हैं हम बार बार जीरो वन टू थ्री क्योंकि ये इतना ज्यादा यूज में आ चुके हैं कि, कि किसी भी नंबर सिस्टम में ये सिंबल्स आपको दिखाई देते हैं अगर डेसिमल नंबर सिस्टम पहले बना है तो उसका इन्फ्लुएंस बाकी नंबर सिस्टम पे तो रहेगा ही रहेगा हेग्जा डेसीमल नंबर सिस्टम मतलब हेग्जा हेग्जा मतलब सिक्स और डेसी मतलब टेन तो सिक्स और टेन सिक्सटीन तो सिक्सटीन सिम्बल्स हैं कौन कौन से हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन के बाद टेन नहीं लिखेंगे क्योंकि टेन तो एक्चुअल में वन और जीरो हो गया ना तो ये तो सिम्बॉल्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे हम सिम्बॉल लेते हैं ए बी सी डी ई एफ ये हो गए सोलह सिम्बॉल्स आप ये ए बी सी डी एफ स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं ये सोलह सिम्बॉल्स हैं इनसे ही कोई नंबर इस सिस्टम में बनेगा बाइनरी नंबर सिस्टम नाम समझ में आ रहा है बाय मतलब टू तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही सिंबल यूज़ हो सकते हैं तो पहला सिंबल जीरो दूसरा सिंबल वन बस और कोई सिंबल यूज़ नहीं होता और हम इससे पहले वाले लेसन्स में देख चुके हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को ही कंप्यूटर समझता है इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसलिए वो तो हमें आता ही है पर ऑक्टल और हेग्जा डेसिमल ये भी कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं तो इनके बारे में भी थोड़ी समझ हमको रखनी है चलिए सबसे पहले हम लोग गिनती सीखते हैं आप कहेंगे अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं गिनती करना तो हमको आती है देखो गिनती करना डेफिनेटली आपको आती है लेकिन क्या आपको गिनती डेसिमल नंबर सिस्टम में आती है चलो पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम ठीक इसमें गिनती करके बताइए तो आप काउंटिंग लिख रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में और ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो कैसे होती है काउंटिंग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन मुझे बताइए आपने सारे दस सिंबल्स लिख लिए हैं दस सिंबल के बाद कोई ग्यारहवा सिंबल इस नंबर सिस्टम में नहीं होता है तो फिर मजबूरी है कि आपको इन सिंबल्स को रिपीट करना पड़ेगा यस और नो देखो अभी जो मैं बात बता रहा हूं आपको समझ में आएगी ध्यान से सुनना और हो सकता है आपने इस तरीके से नंबर सिस्टम कभी भी ना पढ़ाओ पहली बार आप पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा अटेंशन मुझे चाहिए आपका क्योंकि अब कुछ ऐसा है जिसको सीखने के बाद आपको मजा आ जाएगा नंबर सिस्टम डेसिमल है दस सिंबल्स हैं तो नाइन के बाद सारे सिंबल्स खत्म हो गए तो हमें फिर से सिंबल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा तो मैं फिर से जीरो तो लिख रहा हूं मतलब मैं काउंटिंग क्या कर रहा हूं साइकिल में जीरो से नाइन तक पहुंचे वापस से जीरो आ गया लेकिन इससे तो कोई फ़र्क समझ में आया नहीं ना कि यहाँ हम गिनती करते 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 इतने आगे पहुँच गए और वापस से ज़ीरो तो क्या ये ज़ीरो और ये ज़ीरो बराबर है नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं कुछ सामान रखा हुआ है तो हम ऐसे काउंट कर रहे हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन के बाद जो है उसको भी ज़ीरो बोलेंगे तो कन्फ्यूजन होगा ना तो हमने क्या किया हमने इसके पहले एक वन लिख दिया हम इसको बोलने लगे टेन अभी ये वन क्या दर्शाता है इसको समझो ये दस सिंबल्स का एक राउंड हम लोग कर चुके हैं जीरो से नाइन तक हमने सारे सिंबल्स एक बार कर लिए लिए ना, ना। विजिट कर तो एक राउंड कंप्लीट हो गया है। तो ये जीरो नहीं है वन राउंड एंड जीरो एक राउंड कंप्लीट हो चुका है दस सिंबल्स का और ये जीरो है फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम बोलते हैं वन 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 टू वन थ्री वन फोर ना इस तरीके से हम आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पर यहाँ पे इसके आगे फिर से लिख लेते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन के बाद देखो नाइन देखो वन तो फिक्स था वन का मतलब क्या है वन का मतलब है एक राउंड दस सिंबल का प्लस नाइन और दस और नाइन और तो इसलिए नाइनटीन है वो अब नाइन के बाद वापस से सिंबल्स ख़त्म हो गए तो आप क्या बोलते हो जीरो अभी देखो ये वो चीज़ बता रहा हूं जो ऑलरेडी आपको पता है लेकिन उसको देखने का नज़रिया चेंज कर रहे हैं हम और यहां पर हम कह रहे हैं कि अब क्योंकि एक राउंड और हो गया है तो वन से बढ़कर हो जाता है टू इसका मतलब है दो राउंड्स हो चुके हैं एंड जीरो और इसके आगे फिर गिनती इसी तरीके से चलती है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स और मैं समझता हूं कि इसके आगे अब आप कर सकते हो समझ सकते हो अब यही चीज मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको करके बताना चाहता हूं देखिएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या कहानी होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कितने सिंबल्स? हैं at वहां पे हैं आठ सिंबल्स जीरो से सेवन तक तो गिनती करेंगे तो हम लिखेंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मत लिखना क्योंकि इसमें एट होता ही नहीं है इसमें जीरो से सेवन तक सिंबल है तो जब सारे सिंबल्स खत्म हो जाएंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा वापस से यही तो फिलॉसफी सेम है चाहे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में बात कर रहे हो या किसी और नंबर सिस्टम में बात कर रहे हो तो सेवन के बाद ज़ीरो ही आएगा क्योंकि यहाँ सेवन के आगे और सिम्बॉल्स नहीं है अब जीरो आएगा लेकिन आपको एक यहाँ वन लिखना पड़ेगा क्यों क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हो कि एक राउंड हो चुका है आठ सिम्बॉल्स का ओके okay. तो एक्चुअल में ये एट है आप बोलोगे ये तो टेन लिखा हुआ है ओके okay, टेन इसलिए बोल रहे हो आप क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको टेन बोलने की आदत पड़ चुकी है पर यहां पर ये एट है आप गिनती करोगे ना तो ये एट है जीरो से सेवन के बाद क्या है एट है पर उसको लिखा कैसे जा रहा है टेन मतलब जो चीज डेसिमल नंबर सिस्टम में एट है उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में टेन बोला जाता है समझ गए अगर आप यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हो तो काउंटिंग करते हो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो आपकी गिनती में सेवन के बाद टेन आता है लेकिन उसको एट के इक्वलेंट समझो पर ठीक है आप इसको यहाँ पे टेन बोलो क्योंकि आपको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा ठीक है वो हम कन्वर्जन में समझ लेंगे कि ये टेन और ये एट बराबर है वो हम कन्वर्जन में समझ लेंगे आप इसको टेन बोलो कोई बात नहीं पर आप समझ गए सेवन के बाद टेन क्यों आया एट क्यों नहीं आया नाइन क्यों नहीं आया क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में एट और नाइन है ही नहीं अब अच्छा बताओ इसके आगे क्या आएगा इसके आगे इलेवन आएगा ट्वेल्व आएगा थर्टीन आएगा फोर्टीन आएगा फिफ्टीन आएगा सिक्सटीन आएगा सेवनटीन आएगा पर मुझे बताओ सेवनटीन के बाद क्या आएगा सेवनटीन के बाद क्या आएगा सेवन के बाद वापस से ज़ीरो आना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा टू क्योंकि अब दो राउंड्स हो गए ना तो ये ट्वेंटी है लेकिन एक्चुअल में ये डेसिमल नंबर सिस्टम में सिक्सटीन के बराबर ये इसलिए तो मैं साथ में लिख रहा हूं अब आपको समझ में आया कि जब मैं आपसे कह रहा था कि आप काउंटिंग सीखना है तो आपको लग रहा होगा कि ये काउंटिंग तो हमें ऑलरेडी आती है लेकिन ये जब ऑक्टल नंबर सिस्टम में सीखा तो हमें काउंटिंग का लॉजिक समझ में आ रहा है अब जो शायद बचपन में हमने कभी इस एंगल से सोचा नहीं था अब हमें समझ में आ रहा है कि ओके सेवेंटीन के बाद ट्वेंटी क्यों आया तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी के बाद क्या आएगा देखो सेवन के बाद वापस से जीरो आना है और यहाँ पे एक कैरी होगा तो ये थ्री हो जाएगा तीन राउंड्स हो चुके हैं और जीरो थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री एंड सो वन आप जरा सोच के बताइए कि अगर मैंने सेवनटी सेवन लिखा ऑक्टल में तो उसके बाद क्या आएगा सेवेंटी सेवन अगर मैंने ऑक्टल में लिखा है तो इसके बाद क्या आएगा तो देखिए सेवन के बाद जीरो आना है ठीक है फिर इधर लेफ्ट में कैरी होगा लेफ्ट में ऑलरेडी सेवन है इससे एक ज्यादा करोगे तो इसमें फिर जीरो आ जाएगा क्योंकि सेवन के बाद एट नहीं आ सकता जीरो ही आएगा क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम है और फिर यहाँ वन कैरी हो जाएगा तो सेवेंटी सेवन के बाद यहाँ हंड्रेड आएगा ठीक वैसे ही जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में नाइन्टी नाइन के बाद हंड्रेड आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में सेवेंटी सेवन के बाद हंड्रेड आएगा बस एट और नाइन सिम्बॉल नहीं है यही तो समझना है तो ये है गिनती करने का तरीका अगर बात समझ में आई है तो आप डेफिनेटली हेक्साडेसिमल में भी गिनती कर ही लोगे मैं यह हेक्साडेसिमल में लिखने वाला हूं ठीक है हेक्साडेसिमल में लिखते हैं हम लोग पहले तो आप कोशिश कर सकते आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश करो आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है मैं यहां पर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन के बाद ए बी सी डी ई ठीक है ई e के बाद यहां पर आ गया एफ आप जरा ध्यान से देखो जो डेसिमल में फिफ्टीन है उसको यहां एफ़ बोल रहे हैं सोलह सिंबल्स है से ना ज़ीरो से लेके एफ़ तक ये जीरो से लेके फिफ्टीन है सोलह सिंबल्स है ठीक है एफ़ के बाद क्या आएगा यहां सारे सिंबॉल खत्म हो गए अब आपको मालूम है जब सारे सिंबल्स ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होता है जीरो आता है और वन कैरी होता है जो ये वन कह रहा है कि एक राउंड हो चुका है सोलह सिंबॉल्स का और उसके बाद जीरो इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन वन ए वन बी वन सी वन डी वन ई वन एफ वन एफ के बाद टू जीरो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर अगर किसी को यह बातें समझने में दिक्कत जा रही है तो ये पोर्शन को आप थोड़ा रिपीट में सुनना इसको थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुनना हंड्रेड परसेंट समझ में आएगा अब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करते हैं क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आना चाहिए बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही सिंबल है कई लोगों को यह बात एकदम समझ में नहीं आती है जो मैं अब बताने वाला हूं थोड़ा ध्यान दीजिएगा जीरो के बाद आपने वन लिखा क्या वन के बाद सारे सिंबल्स खत्म नहीं हो गए जीरो और वन दो ही तो सिंबॉल है बाइनरी नंबर सिस्टम में और जब सारे सिंबल्स हो गए सारे दो ही हैं दो में ही सारे बोल रहा हूं मैं क्योंकि दो ही सिंबल हैं सारे सिंबल्स खत्म हो गए तो वापस से जीरो से स्टार्ट होगा यस yes, तो वापस जीरो आएगा और वन कैरी आएगा ये वन क्या बता रहा है कि एक राउंड हो गया है इसलिए जीरो वन के बाद क्या आ जाता है टेन आ जाता है वन जीरो आ जाता है क्लियर हुआ क्यों आया वन के बाद वन जीरो समझ में आया अभी इसके बाद वन वन लिखोगे वन वन के बाद क्या होगा क्योंकि वन के बाद वापस से जीरो आता है टू तो होता ही नहीं ना इसमें तो ये वन के बाद जीरो आ रहा है ये ये जीरो आ रहा है ठीक है आ, जीरो वन ये, ये, ये फोर के लिए लिख रहा हूं और ये भी जीरो हो रहा है क्योंकि देखिए वन के बाद जीरो आ रहा है इधर वन कैरी होगा लेफ़्ट में भी वन है तो वन के बाद टू तो होगा नहीं ज़ीरो ही आएगा और इधर वन कैरी हो जाएगा तो हंड्रेड वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो ठीक है वन 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 अब तीनों वन हो गए अब इसके बाद कैसे लिखोगे तो ये वन कोई वन के बाद वापस से ज़ीरो आता है वन कैरी हुआ मतलब लेफ्ट वाले डिजिट को भी एक आगे बढ़ाना है पर वो ऑलरेडी वन है उसके आगे फिर से ज़ीरो आने वाला है क्योंकि वहां सिंबल खत्म हो गए वन के बाद टू तो है नहीं फिर वन कैरी हुआ इधर तो इधर भी वन के बाद जीरो आएगा फिर वन कैरी हुआ तो इधर वन आ गया आई होप दिस इज क्लियर नहीं है क्लियर तो थोड़ा खुद दिमाग लगा के इसको करने की कोशिश करो मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं जहां नहीं समझ में आया फिर समझ में आएगा देखो ये जीरो आगे बढ़ता है वन हो जाता है है ये तो एज इट इज फिर ये वन के बाद वापस से जीरो आना है लेकिन वन कैरी होना है तो ये ए की वैल्यू हो गई है ना ए के बराबर हम देख रहे हैं फिर ये वन वन जीरो वन आप एक एक डिजिट बढ़ा रहे हो जीरो वन फिर उसके बाद जीरो आएगा लेकिन इधर एक कैरी होगा तो यहां पर आ जाएगा अच्छा अब इधर पे वन है तो जीरो आएगा अगला पर वन कैरी हुआ तो ये भी एक आगे बढ़ेगा तो जीरो आएगा फिर वन कैरी हुआ तो यहां वन हो जाएगा यहां वन 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 ये हमारा चार बार वन अब चार बार वन के बाद क्या आने वाला है वन ज़ीरो 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 वन ट्रिपल ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन डबल ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 ट्रिपल ज़ीरो वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन ज़ीरो एंड वन वन ज़ीरो वन वन इस तरीके से आप और भी आगे बढ़ा सकते हो देखिए तरीका कोई अलग नहीं है जो तरीका मैंने डेसिमल में यूज़ किया वही ऑक्टल में वही एग्जेट डेसिमल में वही बाइनरी में कर रहा हूँ अब अगर समझने में आप बोल रहे हो कि ये तो समझ में आ रहा है ये समझ में आ रही है ये नहीं आ रहा तो देखो कुछ अलग नहीं बोला मैंने यही चीज़ बोली है। जैसे यहाँ सेवन के बाद टैन आ रहा है या वन के बाद टैन आ रहा है बस इतना ही तो है अब बाइनरी नंबर सिस्टम में सिम्बॉल्स कम होने की वजह से नंबर बड़ा दिखता है अब अब थोड़ा सा इसको ऐसे यूनिट की तरह सोचो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही सिम्बॉल है ना और उससे ज़्यादा फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में आठ है फिर डेसिमल में दस है फिर एग्जा डेसिमल में सोलह है तो अगर नंबर ऑफ सिम्बॉल ज़्यादा होंगे कम डिजिट्स में हम बड़े संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसलिए है सिर्फ है लेकिन भी आप बहुत बड़ा लिखना पड़ता है जैसे मान लीजिए ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी का नंबर है ना छोटा सा नंबर है लेकिन इसका बाइनरी करते हो तो वन वन जीरो जीरो वन, इतना बड़ा हो जाता है क्यों क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिंबल्स कम दो ही सिंबॉल है जीरो और वन इन्हीं से बनाना है आपको नंबर तो कम सिंबॉल्स हैं इसलिए लेंथ ज्यादा दिखेगी आपको बड़ा दिखेगा नंबर ठीक है और ज्यादा सिंबॉल्स हैं तो कम लेंथ में ही आप बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हो अब यह तो आपको काउंटिंग समझ में आ गई अब हमें जरूरत है समझना कन्वर्जन और यह कन्वर्जन सवाल इस पर बेस्ड आते हैं कन्वर्जन करने को आते हैं इसलिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है तो कन्वर्जन फ्रॉम एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम हम सीख रहे हैं कोई भी नंबर सिस्टम हो सिर्फ चार नहीं कोई भी नंबर सिस्टम हो उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये हमको सीखना है ठीक है तो देखिए सबसे पहले मैं डेसिमल नंबर सिस्टम को ही लिखने का तरीका आपको बताता हूं और आप सीख जाएंगे बहुत इजी है जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 253 अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा बेस टेन इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है मैं उस नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं जिसमें दस सिंबल्स। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं टू इंटू हंड्रेड हंड्रेड को टेन स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस फाइव इंटू टेन की पावर वन प्लस थ्री इंटू टेन की पावर जीरो आपको मालूम है किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होता है इसीलिए टेन की पावर जीरो वन है आप नोटिस करें यहां पर ये प्लेस वैल्यूज आपको अच्छी तरीके से मालूम है ये यूनिट प्लेस है टेंस प्लेस है हंड्रेड प्लेस है आपको मालूम है ये फाइव एक्चुअल में फाइव नहीं है फिफ्टी है ये टू एक्चुअल में टू नहीं है टू हंड्रेड है इस प्लेस पर टू होने का मतलब ये टू हंड्रेड है तो ये प्लेस वैल्यू से ही तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू निकल कर आती है टू का मल्टीप्लाई हंड्रेड से हो रहा है फाइव का मल्टीप्लाई टेन से हो रहा है अब इन सबको ऐड करोगे यही तो आएगा ठीक है अब ये बात हमको समझ में आ गई कि डेसिमल नंबर एक्चुअल में ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है हर एक डिजिट का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके वो नंबर बना रहे हो ये थ्री का मतलब है काउंटिंग में तीन चीज़ें इस फाइव का मतलब काउंटिंग में पांच चीज़ें नहीं है पचास चीज़ें और इसका मतलब है काउंटिंग में 200 चीज़ें तो 200 चीज़ें प्लस 50 चीज़ें प्लस तीन चीज़ें मिलकर बनता है 253 ठीक है समझ में आया अब इमेजिन करो कोई भी चीज़ है उसमें 200 चीज़ें हैं प्लस 50 चीज़ें हैं प्लस तीन चीज़ें, है, चीज़ें मिलकर आप क्या करते हो 253 अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं इसको दूसरे सिस्टम की बात सोचते हैं जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है आ, वन थर्टी टू लेकिन ये मैं लिख रहा हूँ बेस एट में यानी ये या ऑक्टल नंबर सिस्टम में और इसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम आपको इसी स्टाइल से लिखते आना चाहिए तो आप डेसिमल नंबर सिस्टम में किस कन्वर्ट कर लोगे किसी भी नंबर सिस्टम को आप डेसिमल नंबर सिस्टम में इसी तरीके से कन्वर्ट करोगे कैसे अब मुझे ये बताओ इस थ्री का क्या मतलब है इस थ्री का मतलब थर्टी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में हो ये थ्री का मतलब है आठ सिंबल के तीन राउंड्स हो गए ये सुनो ये ये सिंबल का अभी हमने काउंटिंग में सीखा था ना काउंटिंग में सीखा था सेवन के बाद यहां टेन कैसे आ रहा था ये वन का मतलब है आठ सिंबल्स का एक राउंड यही मतलब है वैसे ही आप सोचो इस थ्री का मतलब क्या है आठ सिंबल के तीन राउंड हो चुके ठीक है और इस वन का मतलब क्या है एट इंटू तो एट एट इंटू तो एट 64 सिंबल्स का एक राउंड हो चुका है ये इसका मतलब है जैसे यहां पे इस टू का मतलब क्या है टेन इंटू टेन टेन इंटू टेन यानी हंड्रेड का दो राउंड हो चुके हैं और इस वन का मतलब क्या है एट इंटू एट सिक्सटी फोर के एक राउंड हुआ है ये इस वन का मतलब है अब सिक्सटी फोर कैसे आए क्योंकि देखो ये जो प्लेस वैल्यू है ना जैसे जैसे इस प्लेस पे दस सिम्बॉल हो सकते हैं तब जाके ये एक इंक्रीज़ होता है ना इसका एक इंक्रीज होना दस सिंबल के बराबर होता है और ये इस इसके दस सिंबल का मतलब इसका एक होता है जब ये यहाँ पर जीरो से लेकर नाइन तक हो जाता है उसके बाद फिर यहाँ एक कैरी होता है ना तो जब यहाँ दस सिम्बॉल्स हो जाते हैं तब जाके ये एक बढ़ता है तो इसका मतलब ये कब बढ़ता है टोटल मिला के सौ सिम्बॉल्स पर आप सिंपल मैथ्स करो कि ये प्लेस पर एक डिजिट चेंज होती है मतलब दस सिंबल आगे चले गए आप अगर ये फाइव है फाइव से सिक्स कर दूंगा तो सीधे दस आगे चले जाओगे ना फिफ्टी से सिक्सटी हो गया इस प्लेस पर एक डिजिट बढ़ाते हो तो इसका मतलब सौ सिंबल आगे चले जाते हो कैसे टेन इंटू टेन इसके और लेफ्ट में जाएंगे तो वो टेन इंटू टेन इंटू टेन हो जाएगा हज़ार तो यहाँ की एक डिजिट बढ़ने का मतलब हज़ार वैल्यू बढ़ना होता है इसी तरीके से यहाँ पर आठ आठ के ग्रुप में चलेगा ये थ्री का मतलब है आठ सिंबल का एक ग्रुप ऐसे तीन ग्रुप हो गए और, और आगे जाओगे तो और उसमें एट का मल्टीप्लाई करो तो एट स्क्वायर हो जाएगा तो हम कैसा लिख सकते हैं वन का मल्टीप्लाई करो एट स्क्वायर के साथ प्लस थ्री का मल्टीप्लाई करो एट की पावर वन से फिर टू का मल्टीप्लाई करो एट की पावर जीरो से विच मीन्स सिक्सटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर प्लस है ना ये ठीक है? तो ये कितना हो गया 64, 88, 88 और ये 90. इज so एक्चुअली 90 इन डेसिमल नंबर सिस्टम में वो decimal number system में 90 के equivalent है, ठीक कोई भी नंबर सिस्टम आप सोच लो जरूरी नहीं है कि वो यही चार स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम हो मैं क्या करता हूँ एक नंबर सिस्टम लेता हूँ टू फोर्टी थ्री बेस फाइव कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है अब इसकी बेस फाइव है यानी इसमें पांच ही सिंबल है तो पांच सिंबल कौन से होंगे जीरो से फोर तक तो कभी भी यहाँ पर ऐसा फोर से बड़ा सिंबल मत लिख देना क्योंकि बेस फाइव है अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है सेम लॉजिक से करिए पर यहाँ पे बेस की पावर बढ़ती जा रही है आप इसको जनरलाइज कर सकते हो आप इस जगह पर क्या लिख रहे हो बेस लिख रहे हो बेस और यहाँ पे पावर जीरो से स्टार्ट करते हुए एक एक पावर बढ़ाते जाते हो और डिजिट से मल्टीप्लाई करते जाते हो जैसे यहाँ पर हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे फाइव की पावर टू से फोर का मल्टीप्लाई करेंगे फाइव की पावर वन से और फिर थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे फाइव की पावर ज़ीरो से विच मीन्स ये फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव होता है ट्वेंटी फाइव इंटू टू करेंगे तो फिफ्टी हो जाएगा प्लस फोर फाइव ज ट्वेंटी प्लस थ्री इंटू वन ये हो जाएगा 73 बेस 10 तो आपने क्या किया बेस 5 के डेटा को बेस 10 में कन्वर्ट किया एक लास्ट सवाल करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में मैं आपको देता हूँ जैसे मैंने दिया वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और ये काफ़ी बड़ा नंबर देख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ टू की पावर्स बढ़ती जाएंगी आप टू की पावर्स अब देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ टू की पावर ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव राइट तो समझने में आसानी हो जाएगी तो मैंने क्या किया इस वन को मल्टीप्लाई किया टू की पावर फाइव से फिर वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू की पावर फोर से फिर ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू की पावर थ्री से फिर ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू की पावर टू से प्लस वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू की पावर वन से फिर ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू की पावर जीरो से अच्छा ज़ीरो में किसी भी का मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो ही आता है तो हमें इन टर्म्स को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनको तो आप इग्नोर कर सकते हो बचे हुए को आप कर सकते हो कैलकुलेट तो सीधे टू की जो पावर लिखी है वही कैलकुलेट कर लो क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होने के बाद वही नंबर आने वाला है तो हम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं टू की पावर फाइव यानी थर्टी टू टू की पावर फोर यानी सिक्सटीन ये ज़ीरो जीरो वाले तो हटा दो टू की पावर वन इज़ टू तो ये हो गया तो ये हो गया थर्टी टू प्लस सिक्सटीन फोटी एट फोर्टी एट प्लस टू 50 बेस 10 तो ये हमारा कैलकुलेशन का रिजल्ट आ गया तो मुझे लगता है ये बहुत सिंपल है किसी भी बेस के नंबर को आप डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसे कन्वर्ट करेंगे ये हमको सी हमने सीख लिया अभी जैसे प्लेस वैल्यू के बारे में मैंने आपको समझाया तो डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू टेन की पावर्स में चलती है ठीक है राइट मोस्ट डिजिट का मल्टीप्लाई आप इससे करो फिर एक एक लेफ्ट में जाते जाओ राइट टू लेफ्ट आप जाते जाओ और इससे मल्टीप्लाई करते जाओ और सबको आपस में ऐड कर दो ऐसी ऑक्टल नंबर सिस्टम में एट की पावर एग्जेट नंबर सिस्टम में सिक्सटीन की पावर्स बाइनरी नंबर सिस्टम में टू की पावर्स बाइनरी में ज़्यादातर आपको करना पड़ता है तो ध्यान रखिएगा टू की पावर्स तो लगभग याद हो जानी चाहिए कि टू की पावर सेवन क्या होता है तो वन होता है एकदम से आपको याद आ जाए तो बहुत फास्ट हो जाते हैं कैलकुलेशन अब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी अभी देखो हमें सारे कन्वर्जन आने चाहिए क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम हम देखते हैं दो तरीके मैं आपको बताऊंगा एक थोड़ा लेंदी मेथड है एक थोड़ा फास्ट मेथड है तो आपको एग्ज़ाम देना है और उसमें स्पीड का खेल है तो आपको फास्ट मेथड तो समझ नहीं पड़ेगा जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर मैं देख लेता हूँ ट्वेंटी uh, अब इस नंबर को ये बेस टेन में है मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में पहला तरीका जो थोड़ा लेंदी है आप क्या करोगे सबसे पहले ट्वेंटी को टू से डिवाइड करोगे तो टू इंटू टेन टू टेन जवेंटी होता है तो रिमाइंडर कितना बचा रिमाइंडर बचा जीरो टू तो को सॉरी ट्वेंटी को टू से डिवाइड करा परफेक्टली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर तो जीरो बचेगा फिर कितने टाइम्स गया वो मैं नीचे लिखता जा रहा हूँ फिर से टू से डिवाइड कर रहा हूं टू फाइव जेन तो अभी भी रिमाइंडर जीरो है टू टू जा फोर टू टू जा फोर रिमाइंडर कितना बचेगा वन फाइव में से फोर गया वन ठीक two, तो है टू टू जोर टू वन जा टू तरमिंडा इज जीरो ठीके? और आखिरी वाला जब वन बचे ना उसको एज इट इज लिख लेना और नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको लिखना वन जीरो वन जीरो जीरो ठीक है वन जीरो वन जीरो जीरो सो दिस इज नथिंग बट ट्वेंटी ये बाइनरी में ट्वेंटी हो गया पर आप नीचे की नीचे से लिखना चालू करना अब इसका थोड़ा सा मैं शॉर्ट मेथड बताता हूँ जो आपको आना चाहिए आप क्या करो टू की पावर्स अगर आपको याद हो गई हैं तो आपको मालूम है अभी जैसे हमने पहले यहां पर करा था तो हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी थी कि बाइनरी नंबर को अगर आप ये टू की पावर्स के साथ इस तरीके से लिखते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने, करने के लिए तो टू की पावर्स का मल्टीप्लाई या तो वन से हो रहा होता है या जीरो से ज़ीरो से हो रहा है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाएगा और वन से अगर हो रहा है तो वो जो वन है उसको इग्नोर करो ये जो टू की पावर आई यही आंसर है है ना ये चीज़ हमें समझ में आती है तो इस चीज़ का हम फायदा उठाएंगे तो टू की पावर्स अगर आपको याद हो गई हैं तो ज़रा उसको एक बार मैं लिख देता हूं टू की पावर ज़ीरो टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री इस तरीके से मैं टू की पावर्स लिख देता हूं थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर लेते हैं टू की पावर जीरो होता है वन ये होता है टू ये होता है फोर ठीक है ये होता है एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर एंड सो ऑन अब सोचो जरा ट्वेंटी को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है टू की पावर्स बता दो किन मतलब इनमें से किन नंबर्स को ऐड करके ट्वेंटी आएगा ये बता दो किन किन नंबर्स को क्या जिन नंबर्स को मैं ऐड करूंगा वो इन्हीं में से कोई सा होना चाहिए तो सिक्सटी फोर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्वेंटी बनाना है टोटल तो मैं इनमें से किन को ऐड करूँगा तो मैं हमेशा बड़े से वेरीफाई करना चालू करता हूँ सो बड़े से बड़ा क्या नंबर इसमें आ सकता है सिक्सटीन आ सकता है थर्टी टू तो बड़ा हो जाएगा ना ट्वेंटी से बड़ा हो जाएगा सिक्सटीन वो सबसे बड़ा नंबर है जो ट्वेंटी के अंदर आ सकता है तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ इसको अगर मैं कंसिडर कर लूँगा तो इसके नीचे वन लिख लेता हूँ ठीक सिक्सटीन के बाद एट को कंसिडर करें क्या सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी हो रहा है या ट्वेंटी से छोटा है नहीं नहीं सिक्सटीन प्लस एट तो बड़ा हो जाएगा तो एट को कंसिडर मत करो तो उधर जीरो लिख लो फिर फोर को कंसिडर कर सकते हैं क्या सिक्सटीन प्लस फोर यस ट्वेंटी होता है तो इसको कंसिडर कर लो तो बाकी किसी को कंसिडर करने की जरूरत नहीं मैंने सिर्फ इन दो नंबर्स को ऐड करा तो ट्वेंटी आ गया आप कोई और नंबर्स को ऐड करके ट्वेंटी नहीं बना पाओगे इनमें से हर नंबर एक ही बार लेना है आपको तो 16 प्लस फोर करके आपने 20 बना लिया तो 16 और 4 के नीचे 1 लिखो बाकी सब जगह 0 लिख दो दिस इज योर रिजल्ट यही तो लिखा था ऊपर भी इजी है चलो ठीक है थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाकी तो है इजी अब देखो ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखना है इसमें भी हम दो तरीके से कर सकते हैं बट ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि आप एट से डिवाइड करने वाला आ, नहीं नहीं इसमें ऑक्टल टू बाइनरी है ओके ओके ऑक्टल टू बाइनरी तो बहुत ही सिंपल है यार ऑक्टल टू बाइनरी बहुत सिंपल है देखो कैसे सिंपल है अगर मैंने लिखा टू फिफ्टी फोर और ये बेस एट में है, है ना ये मुझे ऑक्टल में दिया है इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको मैं सिंपल रूल बताता हूँ फास्ट हो जाएगा बहुत फास्ट हो जाएगा हर एक डिजिट को थ्री बिट में लिखो क्यों थ्री बिट में ही क्यों लिखना है क्योंकि आठ सिंबल होते हैं तो थ्री बिट से आप आठ डिफरेंट पैटर्न बना सकते हो मतलब जीरो से लेकर सेवन तक जीरो से लेकर सेवन तक ये आठ सिंबल होते हैं इसको आप बाइनरी में तीन जीरो से लिखो थ्री बिट से क्यों लिख रहे हैं क्योंकि आठ डिफरेंट पैटर्न बनाने के लिए मुझे तीन बिट्स चाहिए होते हैं जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो ज़ीरो वन वन सिंपल बाइनरी में गिनती तो कर रहा हूँ मैं अभी सिखाई थी काउंटिंग करना और इसको लिखो वन जीरो वन इसको लिखो वन वन ज़ीरो इसको लिखो वन 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 अब आप अगर ये ध्यान में रख पाते हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए जैसे थ्री का बाइनरी क्या होता है ज़ीरो वन वन थ्री बिट में ही लिखना है बस आपको इतना ध्यान रखना है तो अब इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करना है मुझे फोर को लिखना है वन ज़ीरो ज़ीरो फाइव को लिखना है वन ज़ीरो वन टू को लिखना है ज़ीरो वन ज़ीरो बस ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट इतना ही सिंपल है है इजी चलो एक और एक और कर लेते हैं जैसे फोर टू सिक्स वन ये बेस एट में दिया हुआ है आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप वन को क्या लिखोगे ज़ीरो ज़ीरो वन सिक्स को क्या लिखोगे ज़ीरो वन ज़ीरो सॉरी वन वन ज़ीरो वन वन जीरो टू को क्या लिखोगे जीरो वन जीरो फोर को क्या लिखोगे वन डबल जीरो बस हो गया ये बाइनरी में कन्वर्ट इतना फास्ट है ये चलिए इसी तरीके से हेक्साडेसिमल डिसमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल डिसिमल में क्या होता है सोलह सिंबल्स होते हैं कौन कौन से सोलह सिम्बॉल्स होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ए बी सी डी ई एफ अब इनको बाइनरी में लिखेंगे तो सोलह सिंबॉल्स है ना तो आपको चार बिट चाहिए पड़ते हैं जीरो 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 दिस इज़ ज़ीरो जीरो जीरो वन दिस इज ज़ीरो जीरो वन देन ज़ीरो ज़ीरो वन वन फोर को लिख सकते हैं ज़ीरो वन डबल ज़ीरो बस इसको चार बिट में लिखना है आपको इतना ध्यान रखिएगा ज़ीरो वन ज़ीरो वन सिक्स को हम लिख सकते हैं ज़ीरो वन वन ज़ीरो सेवन को लिखेंगे ज़ीरो ट्रिपल वन एट को हम लिखेंगे वन ट्रिपल ज़ीरो नाइन को हम लिखेंगे वन ज़ीरो जीरो वन ए को हम लिखेंगे वन ज़ीरो वन ज़ीरो बी को हम लिखेंगे वन ज़ीरो वन वन सी को हम लिखेंगे वन वन डबल जीरो डी को लिखेंगे वन वन ज़ीरो वन ई को लिखेंगे वन 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 ज़ीरो एफ को लिखेंगे चार बार वन ठीक है अब अगर इसको ध्यान में रख लें तो हमारा काम बहुत फास्ट हो गया जैसे कोई नंबर दिया हुआ है हमें फोर ए थ्री बी अब ये बेस सिक्सटीन में इसे हमको कन्वर्ट कराना है बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा हर एक डिजिट को आपको फोर बिट्स में लिखना है आप लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करें या राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करें ये आपकी चॉइस है दोनों में सही आंसर आएगा फोर को आप क्या लिख सकते हो चार बिट में लिखना है जीरो वन डबल ज़ीरो ए को क्या लिख सकते हैं वन जीरो वन जीरो थ्री को क्या लिख सकते हैं जीरो जीरो वन वन बी को क्या लिख सकते हैं वन जीरो वन वन अब देखो मुझे तो ये चीजें याद है याद है तो मैं फास्ट कर पा रहा हूं आपको भी अगर ये याद रहेगा तो फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट तो ऑक्टल थ्री बिट्स में रिप्रेजेंट होता है ऑक्टल की हर एक डिजिट और एग्जेक्ट की हर एक डिजिट फोर बिट्स में रिप्रेजेंट होती है बस इतना ध्यान रखना है तो इनका रिवर्स कन्वर्जन भी बहुत ईजी है जैसे अगर आपको बाइनरी में कुछ नंबर दिया हुआ है वन 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 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. इतना बड़ा नंबर दिया है और ये आपको दिया है बाइनरी में और आप इसको करना चाहते हो ऑक्टल में कन्वर्ट तो आप कैसे करोगे तो आप क्या करो राइट साइड से तीन तीन बिट का पेयर बनाते जाओ वन जीरो 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 बार वन और यहाँ अकेला बच रहा है तो इसके पहले दो जीरो अपनी तरफ से लगा दो ठीक अब इसको लिखना चालू करो जीरो जीरो वन क्या है वन है ये ट्रिपल वन हो जाता है सेवन ठीक है जीरो जीरो वन इज वन जीरो वन जीरो इज टू वन जीरो वन इज फाइव ये हो गया बेस एट में कन्वर्ट वही चीज़ है लॉजिक वही है रिवर्स में यूज कर लिया आपने यही लॉजिक आप लगा सकते हो और भी जगह पर है ना जैसे एक हेग्जर डिसमल वाला बतायाता हूँ हेग्जर डिसमल से बाइनरी में करना है देखो मैं सभी तरह के कन्वर्जन यहाँ पे बताने वाला हूँ बाइनरी टू हेजा है ना ये भी मैं बताया था हूं जल्दी से बाइनरी टू एग्जाडिमल भी इसी तरीके से हो जाएगा उसमें क्या होता है चार बिट्स का खेल रहता है तो जैसे मैंने लिखा एक नंबर लेता हूँ जीरो 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 वन जीरो वन वन ऐसा कुछ नंबर है अब ये बाइनरी में नंबर है आप इसको कन्वर्ट कर दो किस में हेजा डेसिमल में तो आप क्या करना राइट right साइड से लेते हुए चालू करो चार चार बिट चार बिट का एक सेट बनाते जाओ चार बिट को एक साथ कंबाइन करो ये चार चार बिट में लेता जा रहा हूँ यहाँ पे तीन ही बिट है तो इसके पहले एक जीरो ले लेना ठीक है ना अब यहाँ पर आप लिखते जाओ ये वन वन ज़ीरो मतलब सिक्स हो गया जीरो वन डबल ज़ीरो है यानी फोर है ये वन ट्रिपल ज़ीरो है यानी एट है वन ज़ीरो वन जीरो यानी कि ए है वन जीरो तो हो गया सिक्स फोर एट ए बी बेसटीन क्लियर बहुत सिंपल चलिए में कुछ छूट गए थे उनको भी देख लेते हैं हम लोग डेसिमल से अगर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा ठीक है आपको ध्यान है ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया था वैसे ही डेसिमल से ऑक्टल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो आप जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी बेस से डिवाइड करो जैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो टू से डिवाइड कर रहे थे अभी यहाँ एट से डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑक्टल है जैसे मान लीजिए डेसिमल में नंबर दिया हुआ है टू टू थर्टी टू थर्टी लिखा है चलो टू थर्टी ये बेस टेन में है ना अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करो टू थर्टी को डिवाइड करो एट से So, कितने 8, तो कितने टाइम्स जाएगा एट ज़ा तो ट्वेंटी फोर होता है तो तो ज़्यादा हो जाएगा एट टू ज़ा सिक्सटीन होता है एट टू ज़ा सिक्सटीन होता है तो रिमाइंडर रे, कितना बचेगा सिक्सटीन uh, होता है तो सेवन बचेगा सेवेंटी हो गया सेवेंटी हो गया तो एट एट ज़ा सिक्सटी फोर तो सिक्स बच रहा है तो सिक्स रिमाइंडर लिख लो इसके बाद फिर एट से डिवाइड करो तो एट 3 ट्वेंटी फ़ोर रिमाइंडर बचा फोर ठीक है एट थ्री ज़र ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट में से ट्वेंटी फोर गया तो रिमाइंडर uh, नहीं सॉरी हाँ ठीक है कितना बचा? फोर बचा। अब ये है, ये है, से छोटा है तो इसको इसको एज इट इज लिख लो। और इसको नीचे से ऊपर करो। 346. ये क्या है? है बेस एट में कन्वर्ट कर दिया हमने। वही लॉजिक जो बाइनरी में कन्वर्ट करते कोई नंबर ले लेते ले हैं टू फोर ए लिखा हुआ है बेस सिक्सटीन है इसको बेस एट में कन्वर्ट करना है हमको देखो मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताता हूँ क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है वही लॉजिक लगाओ उसमें जितना फास्ट होगा ना और तरीके से नहीं होगा इसको आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना ठीक है मतलब एग्जेट के लिए आप क्या करने वाले हो एग्जेड के लिए आप आ, को पहले कन्वर्ट करना बाइनरी में और बाइनरी को फिर कन्वर्ट करना ऑक्टल में ये फास्ट तरीका होगा तो देखो टू को आप क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो जीरो जीरो वन जीरो चार चार बिट में लिखना होता है जीरो वन डबल जीरो ए को लिख सकते हो वन ज़ीरो वन ज़ीरो ठीक ये बाइनरी में हो गया अब आप इसमें तीन तीन का पेयर बना के इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करो ये तीन ये तीन फिर ये तीन फिर ये तीन, फिर ये तीन। ठीक यहाँ कम पड़ रहा होता तो आप ज़ीरो अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। अब इसको आप क्या लिख सकते हो जैसे ज़ीरो वन जीरो लिखा हुआ है ज़ीरो वन ज़ीरो इज टू ज़ीरो जीरो वन इज वन जीरो जीरो वन इज़ ऑल्सो वन ज़ीरो जीरो वन ये भी वन तो ये क्या हो गया बेस एट में कन्वर्ट हो गया सिंपल चलो बाइनरी टू एग्जेट डेसिमिल देख चुके थे डेसिमल टू हेक्ट डेसिमल अगेन डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम पे जाना है तो उस दूसरे नंबर सिस्टम की बेस से डिवाइड करना है तो अब कोई नंबर आपको दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्टी आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो हेक्जा में तो आप क्या करोगे 45 को 16 से डिवाइड करोगे 16 थ्री जा फोर्टी होता है 16 टू ज़ा करना पड़ेगा हमें तो 16 टू ज़ा कितना होता है 16 टू जा 32 होता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 45 में से 32 टू uh, करेंगे आप तो 45 में से 32 अगर सबक्रैक करेंगे तो ये बचेगा 13 अब 13 कैसे लिखते हैं लेकिन 13 आ तो रहा है 13 पर 13 को एक्चुअल में 13 थोड़ी लिखते हैं आप ए बी सी डी में से कुछ लिखेंगे ए मतलब होता है 10 बी मतलब होता है 11 सी मतलब होता है 12 डी मतलब होता है 13 ठीक है तो ये टू एज इट इज़ लिख लेना तो नीचे से ऊपर की तरफ रीड करो तो ये टू डी बेस सिक्सटीन इस तरीके से आप डेसिमल से हेगिमल में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है आप और भी तरीके से कर सकते हो इसमें भी आप पहले बीच में बाइनरी में ला सकते हो लेकिन मुझे लगता है ये ये मेथड ज़्यादा कारगर होगा है ना ये आपको थर्टीन का अगर नहीं समझ में आया तो मैं लिख के बता देता हूँ ए जो होता है वो टेन के लिए होता है बी जो होता है वो एलेवन के लिए होता है सी जो होता है वो ट्वेल्व के लिए होता है डी जो होता है वो थर्टीन के लिए होता है तो इस तरीके से मैंने डी बोला है थर्टीन को नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल से हेग्जा डिसमल में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे तो ये तो अभी मैंने बताया था तो जैसे हेग्जा डेसिमल से ऑक्टल में कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से करिएगा आप यहाँ पे ऑक्टल को पहले कन्वर्ट करिए बाइनरी में और बाइनरी से फिर कन्वर्ट कर दीजिए हेग्जा डेसिमल में जैसे ऑक्टल में कोई नंबर दिया हुआ है टू फोर थ्री एट बेस एट बताइए मैंने क्या गलती करी है? गलती ये कि इसमें एट हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसमें जीरो से सेवन तक ही सिंबल्स है ना तो कुछ और ले लूँ मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया फाइव ठीक तो ये है हमारा ऑक्टल में नंबर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप सबसे पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो ऑक्टल है तीन तीन बिट्स में रिप्रेजेंट होगा तो टू को लिख सकते हैं जीरो वन जीरो फोर को लिख सकते हैं वन डबल ज़ीरो थ्री को लिख सकते हैं जीरो वन वन फाइव को लिख सकते हैं वन ज़ीरो वन ये बाइनरी में हो गया अब आप क्या करिए आप इसमें चार चार का ग्रुप बनाइए और इसे राइट से शुरू करिए राइट right से चार चार का ग्रुप बनाते जाएंगे ये बना लिए अब इनको मैं लिख सकता हूँ ये वन वन ज़ीरो वन क्या होता है वन वन ज़ीरो वन क्या होता है तो आठ चार बारह और एक तेरह तेरह मतलब डी और फिर ये तीन जीरो और वन तो मतलब ये तो वन है और वन जीरो वन मतलब कि ये फाइव है तो फाइव वन डी तो यस इसका आंसर आ गया फाइव वन डी बेस सिक्सटीन इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है कन्वर्जन फ्रॉ ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ अभी तक हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ पे काम किया फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं तो हम किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं उसको भी समझिए जैसे आप कोई भी नंबर सिस्टम की बात कर लें जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने लिखा ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू थ्री अब इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे हम ट्वेंटी फाइव को कैसे लिखते हैं है ना हम हम 25 को बाइनरी में कैसे करते हैं ये हमें आता है क्योंकि इंटीजर पार्ट का बाइनरी करना हमें आता है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट का बाइनरी कैसे करेंगे तो इस सवाल को हमने दो सवाल में ब्रेक कर लिया 25 का बाइनरी कर लिया जो कि वन वन जीरो जीरो वन होता है और पॉइंट टू थ्री का मुझे बाइनरी निकालना है तो पॉइंट टू थ्री का बाइनरी किस तरीके से निकालोगे आप ध्यान से देखना आप ज़ीरो पॉइंट टू थ्री में टू का मल्टीप्लाई करोगे जैसे ट्वेंटी फाइव में टू का डिवाइड कर रहे थे यहाँ पॉइंट के बाद की डिजिट्स में टू का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है ये हो जाता है ज़ीरो पॉइंट फोर सिक्स तो जीरो पॉइंट फोर सिक्स अगर हुआ है ना तो इंटीजर पार्ट ज़ीरो है तो मैंने ज़ीरो लिख लिया अब ज़ीरो पॉइंट फोर सिक्स में मल्टीप्लाई फिर टू का करते हैं तो ये हो जाता है ज़ीरो पॉइंट कितना हो गया नाइन्टी टू ठीक है नाइन्टी टू तो अभी भी इंटीजर पार्ट ज़ीरो ही है फिर मैंने जीरो पॉइंट नाइन टू में टू का मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर नौ नौ अट्ठारह और यहाँ पे वन पॉइंट एट फोर हो गया वन पॉइंट एट फोर तो इसमें इंटीजर पार्ट वन आ गया तो इसको वन ले लिया और यहाँ पे हमें हमेशा, हमेशा फ्रैक्शन ही लेना फ्रैक्शन में टू का मल्टीप्लाई करते जाओ और इंटीजर पार्ट क्या आ रहा है वो लेते जाओ फ्रैक्शन में ऑलवेज आपको मल्टीप्लाई करना है टू का तो यहाँ पे पॉइंट एट फोर का डबल आप कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा तो ये चार और चार आठ हो जाता है आठ और आठ सोलह हो जाता है एक कैरी हो जाता है तो वन पॉइंट सिक्स एट ये वन आपने ले लिया पॉइंट सिक्स एट में फिर आप टू का मल्टीप्लाई करो ये कई बार ना नेवर एंडिंग हो जाता है पर ठीक है अभी मैं इतना ही लिख लेता हूँ ये हो जाता है पॉइंट के बाद जीरो ज़ीरो ये ऊपर से नीचे ही रीड करना क्योंकि ये इधर पे नेवर एंडिंग भी हो सकता है तो ज़ीरो जीरो वन वन और आगे और भी हो सकता है तो हमारा फाइनल आंसर जो आया वो क्या आया 25 को लिख रहे हैं 11001.0011 इस तरीके से सो दिस इज आर आंसर मान लीजिए डेसिमल नंबर सिस्टम में नहीं कोई दूसरे नंबर सिस्टम की बात कर ले और उसमें हमें कन्वर्जन करना है जैसे दो चीज़ें मेन देख लेते हैं हम लोग ये डेसिमल को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया ऐसे ही ऑक्टल को कैसे करेंगे और हेक्साडेसिमल को कैसे करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट तो जैसे ऑक्टल में कोई नंबर ऑक्टल में दिया हुआ है आ, मैंने देखा देखो इंटीजर पार्ट की टेंशन मतलब वो तो आपको आता है जीरो पॉइंट फ्रैक्शन वैल्यू की बात करता हूँ मैं फाइव थ्री बेस एट अब यहाँ ज़ीरो की जगह ना कोई नंबर भी होता तो आप इंटीजर पार्ट का तो बाइनरी करना जानते हो ये ऑक्टल है तो आपको वही करना है फाइव को क्या लिखना है थ्री बिट्स में लिखना है वन जीरो वन और थ्री को लिखना है जीरो वन वन हो गया ये बेस टू में कन्वर्ट हो गया ऐसे ही अगर लिखा हुआ है टू ए पॉइंट बी थ्री ये बेस सिक्सटीन में तो टू ए का क्या करना है वो आपको अच्छे से मालूम है है ना टू ए को अगर आप बाइनरी uh, में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो टू को आप लिखते हो ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो और ए को लिखते हो वन जीरो वन जीरो ठीक है और पॉइंट के बाद आप लिखते हो बी तो बी क्या हो जाता है वन ज़ीरो वन वन और थ्री क्या हो जाता है जीरो ज़ीरो वन, वन वन बस ये हो गया आपका बेस टू में कन्वर्ट तो एनी बेस टू में जाना बहुत ईजी है अब इसका उल्टा करना होगा तो वो भी ईजी है क्यों क्योंकि इसी तरीके से तो ये कन्वर्ट होगा जैसे मान लीजिए कुछ बाइनरी में दिया है तो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या हेग्जिसमल में दिया है उसे आपको बाइनरी में दिया है उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यही सेम मेथड यूज करोगे ऑक्टल में तीन बिट और हेक्साडेसिमल में चार बिट तो आई थिंक दिस इज़ आल्सो क्लियर अगर आपको कोई बाइनरी में दे दे उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे ठीक है बाइनरी में दे, दे दे आपको कोई जैसे आपको दे दिया वन वन जीरो पॉइंट ज़ीरो वन जीरो वन ऐसा दे दिया तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे आप ये कहते हो कि टू की पावर्स चलती है टू की पावर जीरो वन टू ही करते हो ना टू की पावर टू प्लस टू की पावर वन और फिर टू की पावर ज़ीरो तो आप लिखोगे नहीं क्योंकि वहाँ जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पॉइंट के बाद भी टू की पावर्स चलेंगी पर वो नेगेटिव में चलती है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर इस तरीके से तो ज़ीरो वाली टर्म तो लो मत वन वाली टर्म ले लो तो वन इंटू टू की पावर माइनस टू प्लस टू की पावर माइनस फोर अब टू की पावर माइनस टू का मतलब होता है वन अपॉइंट टू स्क्वायर और टू की पावर माइनस फोर का मतलब होता है वन अपॉइंट टू की पावर फोर ठीक तो ये क्या है वन अपॉन फोर है और ये क्या है वन अपॉन सिक्सटीन है अब आपको वन बाय फोर और वन बाय सिक्सटीन को करना पड़ेगा ऐड और ऐड करने के लिए ये आ जाएगा फाइव बाई सिक्सटीन फाइव सिक्सटीन को आपको सॉल्व करना है बाकी इधर तो आपको मालूम है ये फाइव ये कितना हो गया सिक्स हो गया ठीक है इधर तो सिक्स हो गया इधर तो कोई दिक्कत नहीं तो सिक्स पॉइंट समथिंग आने वाला है अभी तो मैं पॉइंट के बाद की चीज़ बता देता हूँ सिक्स पॉइंट वन बाय फोर आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आपने इसको दोनों को एलसीएम लेके ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा फाइव बाई स फाइव बाई सटीन को आपको सॉल्व करना है फ़ाइव बाय सिक्सटीन को सॉल्व करना है तो आप इसको आपको डिवाइड करके करना आता है मेरे ख्याल से वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है फाइव को सिक्सटीन से आप डिवाइड करो देखो कितना आ रहा है है ना वो जो वैल्यू आ रही है वही पॉइंट के बाद की चीज़ है तो सिक्सटीन एक एक जीरो पॉइंट लगा लो तो यहाँ फिफ्टी हो जाएगा सिक्सटीन थ्री ज फोर्टी एट होता है ठीक है तो रिमाइंडर बच गया टू ठीक है अब यहाँ पर एक ज़ीरो ले लो है ना एक ज़ीरो ले लो तो ये ट्वेंटी है तो सिक्सटीन वन जिक्सटीन इस तरीके से आ गया तो ये करीब आने वाला है पॉइंट थ्री जीरो वन तो फाइनल आंसर सिक्स पॉइंट थ्री जीरो वन इस तरीके से आप लिख सकते हो अब ये ऑप्शन देख के आपको करना है आपको एक्यूरेट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े तो अब देखिए हम इन सवालों को करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं आप क्या करना वीडियो को पॉज करना खुद सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करना जो सिखाया हुआ है उसके आधार पर आंसर आ जाए उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा आगे और भी सवाल हैं सभी सवालों में इसी तरीके से करिएगा बढ़िया पार्टिसिपेट करना आंसर देना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपका आंसर क्या आया ठीक है फिर आप आगे वीडियो रिज्यूम करके आंसर मैच करना सही हुआ कि गलत हुआ लेकिन मेरे आंसर बताने के पहले आप कॉमेंट सेक्शन में कर देना ताकि आप चेंज ना करो अब इस सवाल को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ ये कैसे करेंगे और मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा आपको कैसे इसको फास्ट किया जा सकता है देखो हमें हमेशा ना एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए इस बात को समझना है कि ये एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट पेपर है इसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं है आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिल रहे, हैं। आपको, पर मिल रहे हैं। तो आपको हमेशा नहीं तो आप थोड़ा सा कन्वर्जन करके भी अंदाजा लगा सकते। जैसे यहां ट्वेंटी फाइव लिखा है फिर पॉइंट लगाया फिर थ्री सेवन फाइव है अब ट्वेंटी फाइव बेस्ट टेन में ना तो ट्वेंटी फाइव का बाइनरी हमको याद है मान लो वन वन जीरो कौन सा है 11001। तो हमें दिख रहा है कि केवल एक ये ऑप्शन दिख रहा है और ये ऑप्शन दिख रहा है तो ए और डी में से कोई आंसर हो सकता है ये दोनों तो नहीं हो सकते तो हमने क्या किया दो को रिजेक्ट कर दिया। अब तो बाइनरी में कन्वर्ट तो कैसे होता है टू से मल्टीप्लाई करके तो जब आप टू से पहली बार मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वन आ पाएगा रिमइंडर नहीं आप देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेवन हंड्रेड फिफ्टी आ रहा है ना ये पॉइंट सेवन फाइव ज़ीरो आ रहा है तो रिम यहाँ जो इंटीजर पार्ट है वो तो जीरो आ रहा है इसका मतलब ये पॉइंट के बाद जो पहली डिजिट है वो ज़ीरो आने वाली है इसका मतलब सही आंसर क्या है ये आया समझ में हमें पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है इस तरीके से हम करेंगे बहुत फास्ट हो सकता है ऐसे एक और सवाल करते हैं अगेन वीडियो को पॉज करिए फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ चलिए देखिए आपने ट्राई कर लिया होगा अब मैं बताता हूँ ये बेस एट में दिया हुआ है इसका इक्वलेंट आपको बेस सिक्सटीन में निकालना है और मैंने आपको कहा था बेस एट की कोई चीज़ को सिक्सटीन बेस में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए और तीन तीन बिट्स में आप चीज़ों को लिख लीजिए तो सेवन को क्या लिख सकते हैं वन 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 को लिख सकते हैं जीरो जीरो वन टू को लिख सकते हैं जीरो वन जीरो ये टू को लिख सकते हैं जीरो वन जीरो तो केवल वन जीरो लिख लेता हूँ अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो चार चार का पेयर बना लीजिए ये चार वन है मतलब एफ हो जाएगा ये वन ये एट हो गया फिर ये फोर हो गया तो फोर एट एफ तो फोर एट एफ पीछे जीरो लगाओ तो कोई दिक्कत भी नहीं है तो ये फोर एट एफ वाला एक ऑप्शन मेरे को मिल गया फटाफट हो सकता है ये चलिए एक और सवाल है फटाफट कर दीजिए इसको भी ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर मेरा आंसर सुनिए चलिए देखिए अब इसका आंसर मैं बताता हूँ यहाँ सबसे पहले तो हम देखें कि क्या ये अलग अलग दिख रहे हैं अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ पहले टू थर्टी फोर का कर लेता हूँ टू थर्टी फोर का शायद जल्दी हो जाएगा और इसको देखें नहीं इसको देखें तो ये ज़्यादा आसान है इसमें ये दोनों सेम है अगर आंसर इनमें से कोई हुआ तो हमें इसको देखना ही नहीं पड़ेगा इसी से आंसर आ जाएगा ये आपको ऑब्जर्व करना होता है ऑप्शन देख के जिससे कि फास्ट कर सकें तो फ्रैक्शन वैल्यू को मैं करके देख लेता हूँ तो पॉइंट वन टू फाइव में टू का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है ये हो जाता है पॉइंट टू फाइव ज़ीरो ठीक है तो ज़ीरो आया शुरुआत में है ना ज़ीरो आ गया फिर पॉइंट टू फाइव को मल्टीप्लाई कर दो टू से तो पॉइंट फाइव हो जाता है फिर जीरो आ गया मतलब तो दो ज़ीरो आ रहे हैं दो जीरो वाला ऑप्शन एक ही है बस सी आंसर हो गया खत्म पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि दो ज़ीरो तो आएंगे ही आएंगे उसके बाद वन आएगा तो ये जो लेफ़्ट साइड है आपको देखने है। हाँ नन ऑफ दीज होता तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती इसलिए आंसर आ गया आप अगर इस टेक्निक का यूज नहीं करेंगे तो आप टाइम पे नहीं कर पाएंगे ये लिख के ले लीजिए अगर आपको फास्ट करना है तो इन टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ेगा और कैसे डेवलप होगी जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास जितना समय बचा ना इस तरह के क्वेश्चंस करिए आपके पास टेस्ट पेपर्स होंगे आई नो तो आप उनको करिए आप देखिए कि इस प्रैक्टिस के बाद आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी आप इनफैक्ट सिर्फ कंप्यूटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैथ्स रीजनिंग वगैरह सब में ऑप्शंस को देख के अप्रोच करो तभी आप फास्ट कर पाओगे पूरा सॉल्व करने पे जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा एक एक को अगर सॉल्व करोगे तो बहुत सारे सवाल तो देख भी नहीं पाओगे पढ़ भी नहीं पाओगे इसलिए इस अप्रोच को सीखने की कोशिश करो एक और सवाल एक और सवाल देखते हैं जल्दी से इसको भी कर दीजिए बेस टेन में दिया हुआ है इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है इसलिए हमको पूरा करना पड़ेगा इस बार है ना शॉर्टकट में काम नहीं चलेगा पूरा करना पड़ेगा तो बेस एट में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेस एट में आपको कन्वर्ट करना है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सेम नंबर लिखा हुआ है ये तो आंसर हो ही नहीं सकता तो इसको तो आप कर दीजिए रिजेक्ट ये तो हो ही नहीं सकता इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाइए नन ऑफ दीजे इसलिए हमें पूरा करना का लग रहा है ना लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कोई नंबर की बेस टेन है उसको मैं बेस एट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं बेस बढ़ा रहा हूं कि घटा रहा हूं सोचो जरा बेस टेन से टू एट कर रहा हूं तो बेस घटा रहा हूं ना तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां आएगी ना वो इंक्रीज होगी सीधी सी बात है यूनिट में जैसे आप होता है ना वन किलोमीटर इक्वल्स टू थाउजेंड मीटर तो आपने क्या किया यूनिट घटाई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वैसे ही आप यहां पर बोल सकते हो कि बेस आपकी घट रही है कम हो रही है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो ये नंबर से तो बड़ा ही आंसर आएगा ये समझ में आया

और हम इसी तरीके से फास्ट कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डी फोर डी फोर एग्जेक्ट डेमल में होगा ऑब्वियसली है ना नहीं भी लिखा तो भी आप समझ सकते हो बेस सिक्सटीन ही होगा अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ आप ये सब्ट्रैक्ट करके बताओगे कि इसके बराबर डी फोर किस में आ रहा है हाँ सब अब सब कुछ बेस सिक्सटीन में हो रहा है सारे कैलकुलेशन बेस सिक्सटीन में हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत लगेगी आपको तो कोई भी एक करके देखते हैं हम लोग जैसे 4e में सब्रैक्ट कर रहे हैं 5b अब एक चीज बताओ ये 5 लिखे होने का मतलब ये डिजिट बड़ी है ना इससे तो आप छोटे में से बड़े को घटाओगे तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा ना ये सुनो नो इसलिए ये तो आंसर हो ही नहीं सकता डी फोर नहीं आ सकता बड़े में से ही छोटे को घटाना पड़ेगा हमको ठीक है अब ये फोर्टीन ई में से सेवन है हाँ हो सकता है फिफ्टीन सी में से सिक्स डी ये हो सकता है, 15C में से 6D, ये हो सकता है. वन ई फोर में से ए सेवन ये सब ये तीनों तो हो सकते हैं है ना क्योंकि बड़े में से ही छोटे को घटा रहे हैं तो जरा आप वन फोर ई में से 7a सेवन ए को घटाने की कोशिश करते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन आपको थोड़ा दिक्कत देगा तो मैं आपको इसमें एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ देखो क्या करो ये सब्ट्रैक करके अगर मान लो फोर डी आने आने वाला है डी फोर आने वाला है मान लो ये सब्ट्रैक करने से डी फोर आने वाला है तो ये जो डी फोर है ये अगर मैं सेवन ए में जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा अरे सब्ट्रैक्शन करना डिफिकल्ट लग रहा है तो एडिशन करना तो ईजी है ना मतलब आप क्या करो सेवन ए में डी फोर एड करके देख लो क्या फोर्टीन ई आ रहा है देख लेते हैं ए में फोर ऐड कर लो पहले तो ए में फोर ऐड कर लो तो बी सी डी ई e. बिल्कुल सही ई e आ रहा है ठीक और कुछ कैरी तो हुआ नहीं सेवन और डी को ऐड कर लेते हैं ठीक है तो डी के बाद हम सेवन ऐड कर रहे हैं देखो ई एफ जीरो वन टू थ्री फोर सेवन ऐड कर लिया फोर आ रहा है ठीक है और वन कैरी यस फोर्टी नहीं आ गया इसका मतलब ये सही है आया समझ में तो हमें इस तरह से टेक्निक सवाल पे डिपेंड करता है ये आप थ्योरी में कभी नहीं पढ़ सकते इसीलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा टेक्निक आपकी डेवलप होगी आप अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी में थोड़ा ना ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं क्योंकि ये तो सिचुएशनल है और हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग सिचुएशन आ सकती है तो वो अप्रोच डेवलप करने के लिए बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस में करने होते हैं तो इसीलिए हम मैं बोलता हूँ कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के सोचो हाँ मेरे को चीज़ समझ में आ गई इतना सफिशेंट नहीं है आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है सवालों के हिसाब से चलिए एक और करते हैं अरे ये मैंने लिख के रखा हुआ है सोल्यूशन इसको हटा देता हूँ और आप लोग पहले ट्राई करिए फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊँगा ठीक ये भी सवाल आया हुआ है तो देखिए इसमें क्या बोला हुआ है फोर्टी थ्री एक्स और फोर्टी थ्री की बेस एक्स है और वाई थ्री की बेस एट है ये दोनों बराबर हैं वेयर एक्स एंड वाई आर अन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं ये पता लगाना है हमको चलो देखो सबसे पहले तो फोर्टी थ्री एक्स को हम लिख कैसे सकते हैं इसको समझिए ये बेस है एक्स तो इसका मतलब फोर में एक्स की पावर वन का मल्टीप्लाई है और थ्री में एक्स की पावर जीरो का मल्टीप्लाई है यही मतलब हुआ ना इसका और ये बराबर आ रहा है किसके वाई थ्री बेस एट के मतलब वाई का मल्टीप्लाई एट के साथ एट की पावर वन और थ्री का मल्टीप्लाई एट की पावर जीरो के साथ तो ये हो जाता है फोर एक्स प्लस थ्री और ये हो जाता है एट वाई प्लस से थ्री तो कैंसिल हो गया अब बचा क्या एक्स बराबर टू वाई यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन पता चल गया कि जो भी वाई की वैल्यू होगी उससे डबल एक्स की वैल्यू होगी तो एक और चीज ध्यान में रखो अगर बेस एक्स है फोर्टी थ्री की तो एक्स की वैल्यू फोर फोर या फोर से छोटी तो नहीं हो सकती ना मतलब x की वैल्यू फोर या फोर से छोटी तो नहीं हो सकती ना मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बेस इसकी फोर होगी तो जीरो से थ्री तक ही सिंबल हो सकते हैं ना तो एक्स की वैल्यू डेफिनेटली फोर से बड़ी होनी चाहिए फोर से छोटी तो हो ही नहीं सकती बेस फाइव हो सिक्स हो सेवन हो ठीक है अच्छा अगर इस बात को हम समझ लें तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू फोर से बड़ी होनी चाहिए ठीक है और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है क्योंकि बेस एट है तो y की वैल्यू सेवन या सेवन से छोटी होगी y की वैल्यू एट से छोटी होने वाली है ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई भी डिजिट सेवन से बड़ी नहीं हो सकती ठीक तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है y की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है अगर मैं y की वैल्यू रख लेता हूँ वन तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू पर x की वैल्यू टू नहीं हो सकती ना क्योंकि एक्स की वैल्यू फोर से बड़ी चाहिए मुझे तो ये तो नहीं हो सकता वाई की वैल्यू अगर टू है तो एक्स की वैल्यू फोर हो जाएगी बट एक्स की वैल्यू मुझे फोर से बड़ी चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता आंसर वाई की वैल्यू अगर थ्री है थ्री टू सिक्स तो एक्स की वैल्यू सिक्स है क्या ये हो सकता है हाँ हो सकता है अगर वाई की वैल्यू फोर है तो एक्स की वैल्यू एट हो सकती है हाँ ये भी हो सकता है और वाई की वैल्यू अगर फाइव है तो एक्स की वैल्यू टेन हो सकती है हाँ मतलब इन दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए y की वैल्यू अगर सिक्स है तो ये ट्वेल्व होगा इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है y की वैल्यू अगर सेवन है तो x की वैल्यू फोर्टीन हो जाएगी ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा y की वैल्यू सेवन से बड़ा तो नहीं हो सकता तो y की वैल्यू थ्री हो सकती है फोर हो सकती है फाइव हो सकती है सिक्स हो सकती है सेवन हो सकती है मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है फाइव दिस इज द आंसर इट चलिए एक और हम लोग सवाल देखते हैं अगेन इसका भी आंसर लिखा हुआ है मैंने तो इसको भी हटाता हूँ और अब आप इसको सॉल्व करिए और बताइए और ये बहुत सिंपल सा सवाल है करिए अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ इसी अप्रोच के साथ हमें इसको करना रहेगा देखिए यहाँ पे आपको तीन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं तीन नंबर्स दिए हुए हैं और ये तीनों इक्वल है तो आपको आर वन और आर टू की वैल्यू बतानी है तो टू थर्टी फाइव की बेस आर वन है तो आप लिखोगे टू इन आर वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू आर वन प्लस फाइव ये बराबर है किसके फाइव सिक्सटी फाइव के फाइव सिक्सटी फाइव बेस टेन के तो इसको क्या लिख सकते हो फाइव इंटू मतलब फाइव हंड्रेड है ना फाइव हंड्रेड लिख दो और बेसिकली हमने सबको बेस टेन में कन्वर्ट कर लिया ना तो इसको लिखे रहने दो फाइव सिक्सटी फाइव ही लिखे रहने दो फाइव सिक्सटी फाइव ठीक है और ये फ़ाइव इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो फाइव सिक्सटी हो जाएगा ठीक है तो ये टू इंटू आर वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू आर वन प्लस प्लस फाइव तो मैंने उधर पहुंचा दिया तो ये बन जाएगा फाइव सिक्सटी एक तो मेरे पास इक्वेशन ही आ गई दूसरी मैं इन दोनों को लेता हूँ और इससे क्या हो जाएगा वन इंटू वन इंटू आर वन का आर टू का क्यूब है ना तो वन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को सीधे लिख देता हूँ आर टू का क्यूब प्लस ज़ीरो से किसी का मल्टीप्लाई होगा तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है तो सिक्स का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आर टू से और फिर फाइव ऐड कर लेता हूँ दिस इज़ इक्वल टू फाइव सिक्सटी फाइव तो ये फाइव उधर जाएगा तो ये फाइव सिक्सटी हो जाएगा और इसको लिख रहा हूँ आर टू प्लस सिक्स आर टू ठीक है मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं ठीक है ठीके? दो इक्वेशंस आ चुकी हैं इससे मैं आर वन और आर टू की वैल्यू निकालने वाला हूँ ठीक है ना इससे मैं आर वन और आर टू की वैल्यू निकालने वाला हूँ तो सिंपली आप सेटिस्फाई करके अब बता सकते हो जैसे आर वन की वैल्यू क्या रखूँ यहाँ पर कि फाइव सिक्सटी आ जाए रख के देख लो एट रख के देख लो रख के देखो इस जगह पर एट रख के देखो आर वन की जगह एट रख के देखो तो ये कितना हो जाएगा एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इंटू टू वन ट्वेंटी एट प्लस थ्री एट ज़ार ट्वेंटी फोर क्या ये फ़ाइव सिक्सटी आ रहा है नहीं ये फाइव सिक्सटी नहीं आ रहा है तो आर की आर वन की वैल्यू एट नहीं हो सकती ठीक है अब आर वन की जगह मैं सिक्सटीन रख के देखता हूँ आर वन की जगह सिक्सटीन रख के देखो तो सिक्सटीन का स्क्वायर कितना हो जाता है टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी सिक्स में टू का मल्टीप्लाई कर दो टू फिफ्टी सिक्स में टू का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाता है फाइव वन टू फाइव वन टू प्लस थ्री इंटू सिक्सटीन दैट इज फोर्टी एट दिसव सिक्सटी ये बिल्कुल सही आ गया है. इसका मतलब आर वन की वैल्यू सिक्सटीन है अब आर वन की वैल्यू सिक्सटीन या तो इस ऑप्शन में दिख रहा है इस ऑप्शन में दिख रहा है अब मुझे निकालना पड़ेगा आर टू की वैल्यू तो आर टू की वैल्यू एट यहाँ पर रख के देखो इस वाले एक्सप्रेशन में एट रख के देखो तो ये एट का क्यूब हो रहा है तो एट इट्स 64, सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इंटू एट करो तो फाइव वन टू तो फाइव वन टू प्लस सिक्स इंटू एट सिक्स एट्स 48, फोर्टी एट फोर्टी एट और ये दोनों के सम फाइव सिक्सटी आ रहा है बिल्कुल तो इसकी वैल्यू एट है तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया बी वाला एक और सवाल करते हैं अगेन मैंने इसका आंसर सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन हटा देता हूं मैं और इस सवाल को भी करिए चलिए ये भी पहले आया हुआ सवाल है सिंपल है इसको भी इसी तरीके से करेंगे हम देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू ट्वेंटी फोर बेस आर थर्टीन बेस आर का स्क्वायर ठीक ऐसा ही इसको सॉल्व करते हैं टू आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस फोर इक्वल्स टू थर्टीन थर्टीन के बेस आर है ना तो थर्टीन को लिख सकते हैं आर प्लस थ्री का स्क्वायर ठीक इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस टू थ्री सिक्स आर प्लस नाइन और ये है टू आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस फोर ये फोर को उधर ले जाएंगे है ना ये आर स्क्वायर को इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ आर स्क्वायर और माइनस फोर आर और इसमें माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो इसको क्या लिख सकते हैं आर माइनस आई आर माइनस फाइव और आर प्लस वन यस हाँ ऐसा लिख सकते हैं अब आर की वैल्यू या तो फाइव होगी या फिर आर की वैल्यू माइनस वन होगी ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है तो ये आर की वैल्यू फाइव होगी तो ये फाइव आंसर है एक और सवाल करेंगे अगेन इसका भी मैंने आंसर लिख के रखा हुआ इसको हटा दीजिए और अब आप इसको सॉल्व करिए फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर इसमें पूछा है रेडिक्स रेडिक्स मतलब बेस बतानी है आपको रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम सच दैट द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स मतलब ये इक्वेशन सही है आपको बेस बतानी है तो हमको पता करना है कि इसका बेस क्या है तो अभी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इसकी बेस आर है तो हमें आर की वैल्यू बतानी है ठीक तो देखिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं इसको लिख सकते हैं थ्री आर स्क्वा सॉरी आर प्लस टू अपॉन टू ठीक आर प्लस जीरो पे मैं लिख सकता हूं आर प्लस थ्री प्लस वन अपॉन आर ठीक है इतना हो गया अब इसको इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए आप ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस वन और आर नीचे से कैंसिल हो जाएगा यहाँ नीचे टू बचेगा तो टू का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाएगा थ्री आर स्क्वायर प्लस आर प्लस टू तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये आर में से सब्ट्रैक्ट होगा सिक्स आर तो फाइव आर बचेगा और टू में से सब्ट्रैक्ट होगा टू तो वो तो ज़ीरो हो गया तो ये हो जाएगा आर माइनस फाइव तो आर की वैल्यू फाइव होनी चाहिए तो इसका आंसर आना चाहिए फाइव सिंपल बस हो okay. गया आज के लिए इतने ही थे आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे और ये सॉल्यूशन की अप्रोच भी समझ में आ रही होगी अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए इससे मेरा मनोबल बढ़ता है कमेंट करिए कैसे लग रहे हैं और इससे आपको हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही जो भी आपको बातें लिखनी है कमेंट सेक्शन में लिखिए लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर भी करिए नेमसेट के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट